अगर आप जाना चाहते हैं केदारनाथ तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बुला रहे हैं स्वयं भोलेनाथ। जय बालाजी पैकेज टूर्स ला रहे हैं 16 जुलाई से 24 जुलाई तक श्री केदारनाथ और हरिद्वार की यात्रा सिर्फ 12,500 रुपए में। हर हर महादेव। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिनानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्हासनगर शहर में शिवसेना दो गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक गुट जो ठाकरे के समर्थन में है, वहीं दूसरा गुट जो शिंदे के समर्थन में है। आज सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के कार्यालय पर तोड़फोड़ हुई, उसके बाद शहर का राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां शिंदे के विरोध में शिवसैनिकों ने नारेबाजी की, वहीं दूसरी तरफ कुछ शिवसैनिकों ने शिंदे जी के समर्थन में नारेबाजी की। एक तरफ जहां कुछ शिवसैनिकों के साथ में शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी उल्हासनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के पूर्व नगर सेवक अरुण अशान डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के कार्यालय पर अपने कुछ समर्थकों के साथ में पहुँचे और साथियों के साथ पहुँचे। आइए देखते हैं दोनों तरफ से किस तरह से नारेबाजी की गई है और क्या कहा गया। इथं आल्यावर कळालं की सुरेश पाटील शाखा प्रमुख आहे, त्यांनी काय तिथे आंदोलन केले, घोषणाबाजी केली, ही एक त्यांची चीड, संघटनेवर असलेलं प्रेम आणि भावनेचा झालेला उद्रेक, त्यातून झालेला हा प्रकार आहे। आणि शिवसैनिक आत्तापर्यंत शांत आहे आणि शिवसैनिकांनी शांतता ठेवून जो काय आपला पाठिंबा, जे काय आपलं सहकार्य आणि जे काही आपल्याला आपल्या भावनेतून आपण कोणासोबत आहोत, आपण कोणासोबत नाहीत हे दाखवण्याचं काम करावं, शांततेच्या मार्गाने सर्व काही करता येतं आणि ते आपण करावं। जी, जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र भर में राजनीति गरमाई हुई है, शिवसेना की जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है उसको लेकर आज जो है थाने जिले में भी आक्रोश देखने को मिला। एकनाथ शिंदे जी की जो कार्यालय है उन पर तोड़फोड़ की गई है, उल्लासनगर के भी इस कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे, इस सत्र को कैसे देखते हैं? अभी तक हमारे जो पालक मंत्री है शिंदे साहब ने, उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा और हिंदुत्व का नारा छोड़ा नहीं है, वो हिंदुत्व के बारे में बोल रहे हैं और जो बाला साहब ठाकरे जी के जो हमारे विचार है वही सबको बता रहे हैं। अभी किसी ने आके यहाँ पे पत्थरबाजी करके, जबकि खासदार साहब ने कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट दिया नहीं और खासदार साहब ने कुछ देर में बोला नहीं कि मैं कहाँ हूँ क्या नहीं हूँ। वो तो शिवसेना में है, हमारे शिंदे साहब शिवसेना में और हम लोग भी शिवसैनिक है। ऐसे में कोई आकर इधर तोड़फोड़ करके जाता है तो वो एक भगोड़ा रहेगा जिसने भी ये काम किया है, क्योंकि हमारी जो भूमिका है वो हमारी एक निष्ठता जो बाला साहब ठाकरे के ऊपर, आनंदी के धर्मवीर आनंदी के साहब के ऊपर जो है वो आज भी हमारी निष्ठा है और हम लोग जो है शिंदे साहब के समर्थन में है तो हम लोग यहाँ पे आज मौजूद है। जिस तरीके से देखने को मिला शिवसेना में अब दो गट होते हुए नजर आ रहे, एक ठाकरे गट और एक शिंदे गट, और यहाँ पर जो हालात है उसमें शहर प्रमुख भी नजर नहीं आए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं आज यहाँ पे जब ये आया तभी हमारे सभी नगर सेवक यहाँ पे जो अभी आके चले गए, आप थोड़ी देर से आए, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, तो यहाँ पे जो ऐसी कोई भी घटना उल्हासनगर में हुई नहीं है। जो भी जो कोई करने वाला है ये, इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई शिवसेना का हाथ रहेगा या शिवसेना कोई रहेगा। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त किसी भी तरीके का निर्णय आ सकता है। यदि भाजपा में शिंदे जी जाते हैं तो उस समय भी जो है समर्थन शिंदे जी को रहेगा या शिवसेना की रहेगी? अभी ये सारी भूमिका कुछ भी स्पष्ट हुई नहीं है, आपके अंदाज से हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते। जब तक हमारे साहब की भूमिका स्पष्ट होती नहीं है तब तक हम लोग आज भी शिवसेना में है और कल भी हम लोग शिवसेना में रहेंगे। शिवसैनिक हो तो शिवसैनिक राहणार आणि शिवसैनिकच राहणार, हे जे काही कोणी काय केलं आहे मला तर माहिती नाही, पण यांना जर कोणाला काय करायचं असेल तर 5 मिनिट सांगून आधी या। जर शिंदे साहेब आता मला एक सांगा, तुम्ही पण विचारलं त्यांनी मध्ये
का एकनाथ शिंदेंचा ऑफिस तोडला. हा ऑफिस एकनाथ शिंदेंचा नाही, हा खासदारांचा ऑफिस आहे. श्रीकांत शिंदे खासदार, शिवसेनेचे खासदार, आणि जर शिवसेनेच्याच खासदाराचा कोणी ऑफिस तोडत असेल तर आम्ही बघून घेऊ. अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रेवल्स, मोबाइल नंबर 9763080315.